हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के वाले पीआरएस के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जिससे कि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए। ओके, पूरे मेहनत के साथ आपके साथ हम यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवा सके। कोटा की एजुकेशन सिस्टम में जो चलता है, ओके, वो सारी क्वालिटी एजुकेशन हम आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं। सो आई होप आप लोग भी यहाँ पर ऑनेस्टली, सिंसियरली के साथ सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड कर रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, अगर पढ़ने की बात करूँ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं भाई, है ना। तो पढ़ने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, हमारा 3rd chapter। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है कवर अप किया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। न्यूमेरिकल्स उसमें हमने जो है इतने प्रैक्टिस आउट नहीं किए हैं, तो हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, एक अलग से सेशन आपके लिए जो है उसके लिए लेके आएंगे और बना देंगे, जिसके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आज इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक बार पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे अगेन फिर से, ताकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी दिनों में जाके जो है ये यहाँ पर फिनिश अप हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हम पूरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल का क्या करने वाले हैं, रिविजन करने वाले। ओके, सो इसी तरीके से अगर आप उससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन अप करने के लिए आपको क्या करना है, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेना है। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB यहाँ पर 067 के लिए ऐसे ही, TTB078 के लिए ऐसे ही, TTB08, और क्लास 9 के लिए आपको ज्वाइन अप करना होगा TTB009। ओके, तो यहाँ पर आप इसे ज्वाइन अप कर सकते हैं अपने रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लगा करके। ओके, और उसके बाद आप फिर वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चल, और वो सैंपल मटेरियल आपको बहुत पसंद आने वाला है, आई गारंटी यू। सो इसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज अप करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई सा भी पैकेज यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके लिए जो है कूपन कोड अप्लाई करना होगा आपको AM लाइव। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर मुझे नहीं लगता आप यहाँ पर देर करेंगे बाय पैकेज पे क्लिक करने में, और इसे आप यहाँ से बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स। सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 3 पेमेंट गेटवेज आपके लिए बना रखे हैं। अगर आपका कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उसे अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ नंबर आपको गिवन है, ओके, 9549041111, इन्हें घुमाइए, कॉल कीजिए और अपना डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लेक्चर की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस करके। तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने, चलिए लेक्चर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सारी ही चीज़ें कवर अप करने वाले हैं जो भी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड और फॉर्मूला मेकिंग और केमिकल इक्वेशन, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का आज ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर है अबाउट जो है, जिसके अंदर हम रिवीजन करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, NTSC ओलंपियाड लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन टाइप जो है, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे,
और फिर जो है हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल का जो है यहाँ पर एक लेक्चर मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आएंगे, और फिर जो है हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो रिविजन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन की एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम यहाँ पर जो है यूनिवर्स पूरा आपका किससे मिलकर बना है, अगर मैं बोलूँ तो एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एटम से। कौन सा कलर चूज करें, ब्लैक, ब्लू, रेड इज मोर गुड, ठीक है। सो एटम यहाँ पर किससे मिलकर बना है, सॉरी पूरा यूनिवर्स आपका किससे मिलकर बना है, एटम से। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, है ना। दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब ये सब्सटेंस यहाँ पर कंबाइन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। ये तीन चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इस चैप्टर के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्स, इवन एक जो है यहाँ पर रेन ड्रॉप से लेके, ओके, इवन एवरी मटीरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किससे मिलके बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल। चाहे वो एक रेन ड्रॉप हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो रॉक हो, प्लांट हो, एयर हो, कुछ भी हो, सभी चीजें क्या है, मैटर है, है ना। मैटर पिछले दो चैप्टर्स में हमने जो है डिस्कस किया था मैटर के बारे में डिटेल के अंदर, तो वो सब मिलके बने हैं किससे, टाइनी पार्टिकल से, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। अब डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम की डिस्कवरी किसने करी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के बारे में डिस्कवरी की और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी जो है प्रेजेंट करी। यहाँ पर सबसे पहले आए हमारे इंडियन जो फिलोसोफर थे, महर्षि कन्नड़, जिन्होंने यहाँ पर एटम के बारे में थ्योरी दी कि आप क्या करो, कोई भी मैटर ले लो, ठीक है, उससे यहाँ पर डिवाइड करना स्टार्ट करो। आप उसे डिवाइड करते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली एक ऐसे पॉइंट पे रीच करेंगे जहाँ पे उसे फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसे फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है। यू विल रीच द अल्टीमेट पार्टिकल, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, परमाणु। परमाणु इन्होंने उसको नाम दिया, उसका हिंदी में, एटम का हिंदी में मतलब होता है परमाणु, ठीक है। ऐसे ही नए साइंटिस्ट आए, डेमोक्रेटस और लूसीपस, उन्होंने भी जो है सिमिलर थ्योरी दी और उसे नाम दिया एटमॉस। उसके बाद आपके यहाँ पर डाल्टन आए, डाल्टन ने यहाँ पर कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम, ठीक है, वहीं से ही इसको जो है नामकरण हुआ, इसका नाम मिला इन पार्टिकल्स को क्या, एटम, ठीक है, विच मीन्स एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसे फर्दर हम कट नहीं कर सकते, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एटम नाम दिया किसने, डाल्टन ने, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसे नाम दिया था क्या, एटम। चलिए अब एटम आखिर में है क्या, एटम जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, आपका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये तो हमें पता चल गया। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, सारे ही मैटर आपके किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने हैं। तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना, एंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है अकेला एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता, ठीक है, करता है सिर्फ कुछ केसेस के अंदर, नहीं करता बहुत सारे केसेस के अंदर। और एटम जो है यहाँ पर टेक पार्ट करता है किसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। केमिकल रिएक्शन में कौन टेक पार्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एटम, ठीक है। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जिन एलिमेंट्स के एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके एटम कम रिएक्टिव हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो नाउ दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और द अनदर एलिमेंट, ओके, एंड द एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, है ना। एटम क्या है, बहुत स्मॉल है साइज में, और हम उसे मेजर करते हैं किसमें, रेडियस की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम का रेडियस उसे हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है एटम का, एटम का एटॉमिक रेडियस हम मेजर करते हैं किसमें, नैनोमीटर में, और एक मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर
क्या होता है 10^-9 मीटर, ठीक, कितना छोटा होता है आपका एटम, नैनोमीटर्स में इसे क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। हम इन्हें जो है नेकेड आई से, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इनके लिए चाहिए इनको देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है किसका, हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक रेडियस होता है कितना, नैनोमीटर, एक नैनोमीटर से भी छोटा, कितना 0.037 नैनोमीटर होता है क्या एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो हाउ बिग आर द एटम, कैन वी सी दैट, नो, ठीक है, वी कैन जस्ट इमेजिन कि एटम कितना यहाँ पर छोटा होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप क्या करें, यहाँ पर अगर पेपर्स जो है सपोज लें एटम को लेयर बाय लेयर यहाँ पर एक के ऊपर एक उनकी स्टैक क्या करते रहें, जमाते रहें, तो अराउंड मिलियंस ऑफ एटम के बाद भी उनकी थिकनेस इतनी होगी जितना कोई एक पेपर की थिकनेस होती है, ठीक है। इस तरीके से आप उनकी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर एटम जो है कितना छोटा है, ठीक है। चलो तो एटम को हम यहाँ पर स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है। एटम कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फर्दर उसके अंदर जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट चैप्टर में आप इन्हें डिटेल में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फर्दर एटम के अंदर भी, एटम फर्दर ही जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटा है, बट इसके अंदर भी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नाउ सिंबल्स, ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करें, सिंबल क्या होता है, सिंबल यहाँ पे हमें बताता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर निशान हो, सपोज ये किसका सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल है, ठीक है, कोई यहाँ पर वाइट कलर, यहाँ पर पीस का सिंबल है, जैसे वाइट यहाँ पर कोई पीजन उड़ाते हैं तो वो किसका सिंबल होता है, यहाँ पर पीस का, ओके। इस तरीके से बहुत बहुत सारे जो है यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स के इसी तरीके से सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या करते हैं, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होते हैं, है ना, जिससे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एलिमेंट्स को, ठीक है। तो डाल्टन ने पहले कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर सिंबल दिए थे, ये जो सिंबल आप देख रखे हैं ये सब किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे, जैसे कि हाइड्रोजन का उन्होंने एक सर्कल बना करके डॉट लगा दिया, ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ पर, कार्बन को ऐसे डार्क कर दिया और सल्फर को यहाँ पर बीच में प्लस, लेड को एल, जिंक को इस तरीके से जेड, कॉपर को, मर्करी को, इस तरीके से उन्होंने क्या करा यहाँ पर सिंबल्स दिए, बट इनको याद रखना यहाँ पर मुश्किल था, ठीक है, हर एक का अलग अलग सिंबल, ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर ये किससे रिलेट भी नहीं कर रहे थे, तो हम इन्हें कैसे याद रखते, ओके, तो इन्हें याद रखना मुश्किल था, इसलिए इनको बाद में चल के जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में आए हमारे न्यू साइंटिस्ट जिनका नाम था जे बर्जीलियस, कुछ ऐसे दिखने वाले थे वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया क्या, लेटर्स को, ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर को यूज़ किया और अनदर लेटर्स को यूज़ किया उसका सिंबल्स बनाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश लेटर का इन्होंने यूज़ किया जिससे कि उन्हें याद रखना जो है आसान हो जाए। कुछ सिंबल इन्होंने उसके मेन नाम से लिए, कुछ सिंबल्स इन्होंने जो है उसके लैटिन नेम से लिए जिससे कि उसे याद रखना आसान हो जाए। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल दिया इन्होंने H, ऑक्सीजन का सिंबल दिया O, कॉपर का इन्होंने लैटिन नेम से लिया दैट इज क्यूप्रम, और उसका सिंबल दिया क्या, Cu, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है किसी का सिंबल एक ही लेटर लिया, किसी के इन्होंने एक या एक से ज़्यादा लेटर लिया, यानी कि टू लेटर्स भी इन्होंने बहुत सारी जो है सिंबल्स में यूज़। ये कुछ सिंबल हैं 20 एलिमेंट्स के जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, और बी सिर्फ बोरोन का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स के जो है अलग अलग सिंबल्स दिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी का इन्होंने सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर लिया, जैसे नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, किसी का इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड लेटर लिया जैसे कि नियॉन, ओके, Ne, किसी का इन्होंने जो है यहाँ पर पहला और तीसरा लिया, पहला और दूसरा ना लेकर के इन्होंने क्या लिया, पहला और तीसरा, जैसे कि मैग्नीशियम, ओके, तो इन्होंने क्या लिया इसका, Mg, क्लोरीन का इन्होंने लिया Cl, ठीक है, आर्गन का इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ही लिया तो Ar, ओके, पोटेशियम का, अब यहाँ पर P से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिंबल क्या है, K,
तो इसका सिंबल इन्होंने लिया कहाँ से, इसके लैटिन नेम से। ठीक है, कुछ एलिमेंट हैं ये जिनका सिंबल्स उनके जो है लैटिन नेम से लिया गया है, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, लेड, मर्करी, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम और एंटीमन, है ना, सॉरी टिन, ओके टिन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एंटीमनी भी है ना। इस तरीके से इन्होंने जो है सिंबल दिया किसका, इनके लैटिन नेम से। ठीक है, एक वोल्फ्राम है, टंगस्टन, ठीक है, वोल्फ्राम से लिया गया है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लैटिन नेम से क्या लिए हैं, इनके सिंबल्स लिए गए हैं, एंटीमनी, ओके, एस बी होता है, ठीक है, स्टिबियम से इसका जो है सिंबल लिया गया है, ओके चल। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सिंबल्स, सिंबल हमें क्या बता रहे हैं, सिंबल हमें यहाँ पर बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एक एटम को, है ना, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर उसका जो है इट रिप्रेजेंट्स द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, है ना, सिंबल एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट को, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्राम हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके नेम्स दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें हमें सिंबल से पता चलती है। ठीक है, सिंबल को करेक्ट लिखना हमेशा जरूरी होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा जो है कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर अगर उसमें है तो वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, ना हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, देखिए एटम यहां पर एग्जिस्ट करता है ओनली इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म के अंदर एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला है आपका जैसे कि आयंस की फॉर्म में और दूसरा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म। जैसा आपको बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो एटम यहां पर अकेला एग्जिस्ट करता है कुछ केसेस में, किस केसेस में, यहाँ पर नोबल गैस के केसेस में, नोबल गैस के एटम्स यहाँ पर अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये क्या है, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर सिंगल एटम्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, किसी से कोई मतलब नहीं है, स्टेबल है, इसलिए आसानी से जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम यहाँ पर केमिकली क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो किसी ना किसी के साथ अटैच होकर के यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं मिलते, इम्प्योरिटीज की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, या किसी ना किसी इम्प्योरिटी के साथ वो अटैच होकर मिनरल्स की फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेनली यहाँ पर आयंस और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी के साथ वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं, ओके कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर स्टेबल बन जाते हैं, यानी कि व्हेन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन दे बिकम स्टेबल, ओके बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एज ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह वो एक स्टेबल अरेंजमेंट, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है एक एटम की कैपेसिटी कि वो कितने और या फिर डिफरेंट एटम के साथ, किसके साथ वो कंबाइन हो सकता है, अगर उसकी वैलेंसी उसके साथ यहाँ पर जो है मैच कर रही है या फिर मैच ना कर रही हो तो हम बोलें किस वर्ड में बोलेंगे, वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, तब वो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या बताती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है कि ये एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर कंबाइन हो सकता है, कितने और एटम्स के साथ यहाँ पर कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो वैलेंसी इज योर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर वैलेंसी जो है एक से चार तक, ओके एक से चार तक वैलेंसी जो है क्या रहती है, 1 to 4, है ना, यहाँ पर वैलेंसी रहती है जितने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सपोज ये कार्बन है, ओके तो कार्बन में जो है यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.4, ओके एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6, तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है, तो 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी।
इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट जिनका यहाँ पर एटॉमिक नंबर बड़ा है और यहाँ पर उनके आउटर मोस्ट शेल में चार से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम कैसे निकालते हैं? 8- द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8- द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज 7 है तो वैलेंसी रह जाएगी कितनी? 1। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो है वैलेंसी हम निकालते हैं। कुछ एलिमेंट यहाँ पर, सर्टेन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, कुछ एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है ना। आयरन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर 2 वैलेंसी में, Fe जो है +2 और +3। जो +2 है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर फेरस। यहाँ पर सफिक्स लगता है उसमें, जो छोटा होता है उसमें सफिक्स लगता है OUS, और जो बड़ा होता है उसमें सफिक्स लगता है आइक। ठीक है, तो ये है फेरिक और ये है क्या? फेरस। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कहीं कहीं पर काम आती है क्या आपकी आयरन की वैलेंसी और कॉपर की, है ना, सिल्वर की। ठीक है, नाउ इस तरीके से ये जो है आपके पास यहाँ पर वैलेंसी गिवन है किसकी? सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। नॉन मेटल है, इनकी वैलेंसी भी क्या है? 1-1। ठीक है, कुछ की यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो कुछ की आपको जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैलेंसी जो है गिवन है। ओके, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, लेड, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, है ना, और यहाँ पर मर्करी, है ना, इसी तरीके से जो है गोल्ड, टिन। ठीक है, आपको यहाँ पर इनकी वैलेंसीज गिवन है, कॉन्फिग्रेशन आपको भी गिवन है। ठीक है, तो वैलेंसी जो है क्या होती है? 1 से 4 तक तो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो उनकी वैलेंसी हो जाएगी, और बाकी जो है यहाँ पर अगर 4 से ज़्यादा हुए तो 8- द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम उसकी वैलेंसी निकाल लें। ठीक है, मॉलिक्यूल, अब मैंने बताया जैसे कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आयंस और मॉलिक्यूल की बात करें, सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके? मॉलिक्यूल आर योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है? केमिकली बॉन्डेड हैं। किससे? एक अट्रैक्टिव फोर्स से, या फिर दूसरी डेफिनेशन में हम लिखें कि मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और विद द डिफरेंट एलिमेंट। दो तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, है ना, कंबाइन होते हैं केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, या फिर सेम एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन के साथ ही यहाँ पर जोड़ करके क्या बना लेता है? H2 मॉलिक्यूल बना लें। ये क्या है? मॉलिक्यूल बन गया। अब ये किसी और के साथ भी कंबाइन हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, यहाँ पर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। किसका? वाटर का। ठीक है, तो सेम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, डिफरेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है, क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पर कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल, 2 तरीके के मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम्स। जैसा कि अभी आपको बताया, है ना, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे हाइड्रोजन से, क्या फॉर्म कर रहा है? H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ये क्या है? ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम से, और क्या फॉर्म कर रही है? O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म कर रही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंबाइन हो जाता है नाइट्रोजन से, N2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ओके, तो एटम आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं सेम एलिमेंट के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो आपके नोबल गैसेस हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स भी इनके एटम्स ही होते हैं, यानी कि इसका मॉलिक्यूल भी क्या हुआ? यही हुआ, और इसका एटम भी क्या हुआ? यही हुआ, यानी HE, ओके, NE, आर्गन हो गया। ठीक है, आर्गन हो गया, है ना, क्रिप्टन हो गया, तो ये क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स भी हैं और इसके यहाँ पर एटम्स भी हैं।
क्या है, मॉलिक्यूल्स भी हैं साथ ही साथ एटम्स भी, देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर जस्ट द सेम। नोबल गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या होंगे, जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यहाँ पर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जब वो कंबाइन हो जाएगा तो इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे कि CO2 हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया, CH4 हो गया, है ना, कार्बन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है किसका, CH4 का, किसका, CH4। HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, HCl कंबाइन हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर मॉलिक्यूल हो गया। NH3 अमोनिया, ओके, यहाँ पर एक नाइट्रोजन कंबाइन हो गया तीन जो है हाइड्रोजन्स के साथ, SO2, ओके, क्या है यहाँ पर, सल्फर कंबाइन हो गया दो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो सल्फर का एक एटम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ, उसे हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है आपका कोई डिफरेंट एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो केमिकली कंबाइंड टुगेदर है, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, अंडरस्टैंड, नाउ एटॉमिसिटी, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें हम वो क्या बताते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बताते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सपोज H2 के अंदर यहाँ पर दो एटम प्रेजेंट हैं, ओके, यहाँ पर P4 के अंदर चार एटम प्रेजेंट हैं, HE के अंदर यहाँ पर क्या है, एक ही एटम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट, ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर कंपाउंड जो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं, तो एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, सारे ही कंपाउंड आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं, बट सारे ही मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि H2 यहाँ पर जो है कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या होता है, जब कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन हो जाए तब उसे कंपाउंड बोलेंगे। ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल भी है, ओके, बट यहाँ पर जो है ये आपका, यानी कि कहने का मतलब H2 आपका यहाँ पर कंपाउंड नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला है एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिसिटी, कुछ आपको यहाँ पर गिवन है कि जो है यहाँ पर डायएटॉमिक होते हैं, यानी कि कुछ जैसे Br2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, डायएटॉमिक। ओके, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक बोलते हैं एक से ज़्यादा, जैसे कि P4 हो गया, ओके, S8 हो गया, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ओके, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक, सॉरी मोनोएटॉमिक है, यानी अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे क्या हैं आपके, डाई एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, समझ आया, तो ये क्या बता रहा है, इनकी एटॉमिसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, यहाँ पर देखिए आप वही दिखा रखा है एटॉमिसिटी एक टेबल के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आयंस। ओके, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें समझ आया, अब आयंस की फॉर्म में, यहाँ पर आयंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले को जो है हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आयंस फॉर्म कैसे हो रहे, कोई एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और या फिर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है,
तो इस तरीके से फॉर्म होते हैं आपके आयंस, आयंस होते हैं आपके कैटायंस और एनायंस, यानी कुछ पॉजिटिव भी फॉर्म करेंगे जैसे कि Na+, ओके, यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी फॉर्म होंगे जैसे कि Cl-, ओके, K+, Cl- अगेन, ओके, तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव है, कुछ यहाँ पर नेगेटिव है, कौन आपके आयंस, ठीक है, आयन यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तभी वो आयन होगा, उस पर अगर चार्ज लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स आपके आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर जो है आपके सिंपल न्यूट्रल एटम की फॉर्म में आयंस फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर आयंस फॉर्म करते हैं, सोडियम है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करता है, क्या फॉर्म करता है, Na+। मैग्नीशियम है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या फॉर्म करता है, Mg2+, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, दैट इज कैटायन। सारे ही मेटल लगभग जो है यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, इफ एन एटम लूज ओके और हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन द न्यूट्रल एटम, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैटायन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसलिए हम उसे कैटायन बोलते हैं। एनायन क्या बोलते हैं, इफ द एटम हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन द न्यूट्रल एटम एंड इट एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज, ओके, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, एनायन बोलते हैं। यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, चार्ज क्या आ गया, Cl-, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, चार्ज आ गया 2-, ऑक्साइड आयन फॉर्म कर लिया, यहाँ पर ये बन गया क्लोराइड आयन, ओके, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं आपके क्या, आयंस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैटायन और एनायन। यहाँ पर भी ये पॉलीएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक चार्ज होता है, यानी कि सिंगल एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, मोनोएटॉमिक, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर अमोनियम आयन हो गया, NH4+ हो गया, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस, ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ लिस्ट भी आएगी अभी, ओके, द मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स यहाँ पर जो है बेसिक होते हैं, यहाँ पर एसिडिक होते हैं, ठीक है, सिंपल रेडिकल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, चार्ज के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, तो बेसिक क्या होंगे, जो भी आपके मेटालिक वाले होंगे वो सारे क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पर, बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक कौन फॉर्म करते हैं, जो नॉन मेटालिक होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक फॉर्म करते हैं। सिंपल रेडिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पर दे कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से जो कंसिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जिनके अंदर सिंगल होता है वो होते हैं आपके क्या, सिंपल रेडिकल्स, और कंपाउंड वाले जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, जैसे कि अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया आपके यहाँ पर, कंपाउंड रेडिकल्स, ओके। तो यहाँ पर अब आपके पास लिस्ट है कुछ रेडिकल्स की, या फिर बोले इनके चार्ज जो हो गए हमारे यहाँ पर कैटायन और एनायन की, ठीक है, तो ये कैटायन वाली लिस्ट है जिसके अंदर सारे ही पॉजिटिवली चार्ज आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनको आपको जो है ध्यान से पढ़ करके याद रखना है। मेन मेन जो होंगे आपके बार बार याद आने वाले हैं वो होंगे अमोनियम होगा, ठीक है, यानी कि मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबके ऊपर प्लस वन चार्ज है, जिन पे प्लस टू है वो क्या है, बाईवेलेंट है, जिसके पास प्लस थ्री चार्ज है उनके ऊपर जो है ट्राईवेलेंट, ओके। सो सी यहाँ पर आपके पास जो है कुछ गिवन है पॉजिटिव यानी कैटायंस, और कुछ यहाँ पर नेगेटिव रेडिकल्स भी आपके पास गिवन है, ठीक है, जिन पे जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें से आपको मेन मेन जो है जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये याद भी होते जाएंगे, ओके। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसका कॉन्फिग्रेशन है यहाँ पर 282, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको क्या करना है, स्टेबल होना है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फॉर्म क्या करेगा, Mg2+, क्या फॉर्म करेगा, Mg2+। ऐसे ही ऑक्सीजन है, कॉन्फिग्रेशन क्या है, 2.6, इसके क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन गेन करने वाला है, ऑक्सीजन गेन करने वाला है, और ये भी अपना कॉन्फिग्रेशन जो है कंप्लीट कर लेगा।
जब इन दोनों का कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, कंपाउंड फॉर्म होगा क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होते हैं आपके क्या, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक को यहाँ पर देने होते हैं, एक को यहाँ पर जरूरत होती है, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगेन यहाँ पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, क्लोरीन को पर एक ही चाहिए, तो मैग्नीशियम को तो दो दे सकता है, तो क्लोरीन के लिए भी फिर वहां पर एक ही चाहिए उसे, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, दो क्लोरीन लाने पड़ेगा। दो क्लोरीन जब वो लेके आएंगे तो वो फॉर्म कर लेंगे क्या, MgCl। ठीक है, दोनों को एक एक यहाँ पर बराबर में मिल जाएगा, तभी वहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा क्या, MgCl2, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। इन केस ऑफ आयन वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज होते हैं या फिर गेन होते हैं, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ना तो गेन होते हैं ना शेयर ना लूज होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं आपके, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपका एक मान लेते हैं, ये किस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये भी क्या है, नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, म्यूचुअल शेयरिंग से। इस नाइट्रोजन ने जो है यहाँ पर क्या किया, इसके आउटरमोस्ट शेल में पांच क्या है, पांच जो है पूरे जो है सात है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आउटरमोस्ट शेल में पांच है। ओके, यहाँ पर ये पिक्चर को थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, तो बट ये यहाँ पर शेयर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इन्हें तीन चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना कॉन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, शेयर करते हैं, भाई पूरे तो दे नहीं सकते ना उससे ले सकते हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, जिससे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में आप देखें, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसको पूरा पूरा देता नहीं है क्लोरीन को, ये दोनों, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक बचता है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर शेयरिंग कर लेते हैं, भाई इसका ये ले लेता है, इसका ये यहाँ पर क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं और उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे फॉर्म होता है आपका यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है आपका एक टाइप का और बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर यहाँ पर ना तो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, ना ही यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ओके, यहाँ पर जो है क्या होती है, पार्शियल शेयरिंग होती है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं देता, बट यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, बोला कोवेलेंट बॉन्ड ही जाता है, बट इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर भाई एक के पास तो यहाँ पर पूरे पूरे जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और एक जो है यहाँ पर बिल्कुल खाली रहता है, वो बिल्कुल शेयर ही नहीं कर पाता, उसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो एक यहाँ पर थोड़ा सा दानी है, वो पूरा देता तो नहीं है, बट उसके साथ यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं अपन यहाँ पर पार्शियल शेयरिंग सी कर लेता है। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ओनली वन एटम। ठीक है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह देता तो नहीं है यहाँ पर, उसके साथ शेयर करता है, बट शेयर कौन कर रहा है, शेयर तो कब होगा, जब वो भी कुछ देगा और मैं भी कुछ दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ही जो है उसके साथ पूरा पूरा यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसे है बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से एरो लगा कर, जिसके साथ शेयर होता है ना, उस तरफ वो क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ये सिंगल एरो यहाँ पर सिंगल एक बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पर जो है उसी ने ही एक तरफ से ही जो है उसकी शेयरिंग हुई है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एरो लगा करके। ठीक है, नाउ केमिकल फॉर्मूलाज किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला जब आपको बनाने हो तो आपको यहाँ पर नेमिंग का ध्यान रखना पड़ता है,
और नेमिंग के साथ साथ आपको जो है उनकी वैलेंसीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बन रहा है तो यहाँ पर जो है नाम उसका चेंज होगा, एंडिंग में क्या लगने वाला है, आईडी लगने वाला है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ओके, H2S है तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा सल्फर का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड की नेमिंग करी जाती है। यहाँ पर जो है मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड लगाया जाता है। ठीक है, जब या एक से ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो, ट्राईऑक्साइड लगाया जाता है। ठीक है, जब सेम टाइप के एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का सिर्फ एक ही जो है फॉर्म होता है। ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं, इसलिए वहाँ पर IDE सफिक्स लगता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है ना, NO2, NO भी फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पर मोनो और डाई लगा करके इनको जो है एड्रेस किया जाता है। ओके, नाउ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर आपको जो है पहले उनके सिंबल्स लिखने होते हैं, देन आफ्टर ईच सिंबल जो है उसकी वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी लिखने के बाद उसे जो है यहाँ पर क्रिस क्रॉस करके आप मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, है ना। कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ क्या, C2O4, तो इसमें से कॉमन कुछ आ सकता है, वो है 2, तो कॉमन हम यहाँ पर लेकर के इसका फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो एलिमेंट का जो है सिंबल लिखना है, सिंबल लिखने के बाद उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी लिखने के बाद यहाँ पर जो है उनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है और यहाँ पर आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का जो है यहाँ पर आप किस तरीके से उनका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको उनका पहले क्या लिखना होता है, सिंबल लिखना होता है, सिंबल लिखने के बाद उनके नीचे उसका वैलेंसीज या फिर कहें चार्जेस लिखने होते हैं, फिर जब आप उन्हें क्रिस क्रॉस करें तो चार्जेस को भूल जाए, है ना, प्लस माइनस चार्ज को भूल जाए और वैलेंसी की तरह उन्हें जो है क्रिस क्रॉस कर दे, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का जो है कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, नाउ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आप किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं, एटॉमिक मास हम यहाँ पर पता करते हैं रिलेटिव तरीके से, है ना, रिलेट करके किससे, कार्बन से हम यहाँ पर उसे रिलेट करते हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाता है हाउ मेनी टाइम्स द एटम ऑफ द सब्सटेंस इज हेवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 एटम के यहाँ पर कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इसका मास जो है कितना आ रहा है, अगर वो उससे जितना हैवी होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको टेबल दे रखी है किसकी, एटॉमिक मासेस की, इनको आपको लर्न करना है, जैसे आपने एटॉमिक नंबर लर्न किए, सिंबल्स लर्न किए, इसी तरीके से आपको यहाँ पर एटॉमिक मासेस भी लर्न करने हैं, ये आपको जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तब आपको काम आने वाले हैं, अगर ये याद नहीं हुए तो आप फिर मॉलिक्यूलर मास भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी एक आपके मोल का मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी मोल का मास, उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोल भी आगे अभी आने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है एक एटम का मास और ये होता है एक मोल का मास, इसलिए यहाँ पर जो है ग्राम एटॉमिक मास लिखा गया। ठीक है, तो सबका अपना अपना जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एटॉमिक मास होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हाइड्रोजन के जो है पूरा एकदम यहाँ पर इसको बाइसेक करते हुए तोड़ते हुए कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 1 और कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट है तो (2). ओके, यहाँ पर फिर हम देखेंगे क्या H2S में सल्फर, सल्फर कितना है, 1 ही प्रेजेंट है, एटॉमिक मास कितना होता है 32 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एटॉमिक मास निकल के आता है क्या 98 U।
ठीक है। तो 98U क्या होगा इसका, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होने वाला है। इसी तरीके से इसका भी जो है यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी एक मोल का मास ओके उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओके। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन क्या करना, वर्ड की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर देना, सिंपल सिंपल नाम की फॉर्म में उसे आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो ओके। सिंबल इक्वेशन नाम ना यूज करके उनका नोटेशन, उनके सिंबल्स यूज करना ठीक है। सिंबल की फॉर्म में जब आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या होती है, सिंबल इक्वेशन होती है ठीक है। नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो तरीके के लॉज होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ठीक है। तो यहाँ पर मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर ए और बी आपको जो है गिवन है ठीक है, तो ए और बी का जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, सी और डी के। सपोज ये रिएक्शन है, ए और बी मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी फॉर्म कर रहे हैं, तो ए और बी का जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, सी और डी। यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं हम डीकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका, सी ए सी ओ थ्री का, इसको हीट कर रहे हैं, ये क्या है 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास है क्या 100 ग्राम। जब हम इसे डीकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, जब हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा किसके, 100 ग्राम के, किसके 100 ग्राम के ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज कुछ दे रखी है टू कैलकुलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप किस तरीके से उसे जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पर कोई भी केमिकल कंपाउंड है ठीक है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट ओके कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा जो है सेम एलिमेंट के साथ ही यहाँ पर क्या होगा, कंबाइन होगा इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, उसका मास भी हमेशा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में जो है प्योर सब्सटेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मास जो है कभी भी डिपेंड नहीं होता किस पे, सोर्स पे। यहाँ पर एक्टिविटी है वाटर का, आपको दिखा रखा है वाटर का, हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यहाँ पर करंट पास करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है फॉर्म होने वाली है और उनका मास भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम आ रहा है और उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई वाटर का आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म किया तो वो कंबाइन हो रहे हैं 1:8 बाय रेशियो बाय मास के अंदर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब आप वापस से वाटर बनाएंगे तो वहाँ पर 1:8 बाय मास ही जो है रिक्वायर होगा क्या करने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर शो किया गया। फिर आती है आपकी बैलेंसिंग ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं, आप इक्वेशन को बैलेंस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है ठीक है। यानी कि इक्वेशन में इधर आपने कुछ रिएक्ट करवाया और उधर कुछ और बन गया बट वहाँ पर वो मास जो है इक्वल नहीं आया तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा, बट ये हमेशा फॉलो होता है तो हमें रिएक्शंस के अंदर भी इसे फॉलो करवाना होता है। और इसे हम कैसे फॉलो करवाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एटम्स इक्वल कर देते हैं। जब एटम्स इक्वल हो गए तो यहाँ पर अपने आप ही आपके जो है आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाएगा है ना। यानी कि एटम्स इक्वल कर दिए तो मास भी इक्वल हो जाएगा अपने आप ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस आउट करोगे, यहाँ पर आपको इनके आगे ही हमेशा जो है कोएफिशिएंट लगाना होता है, इनके जो है कहीं भी आप कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इक्वेशन जो है बैलेंस कर सकते हैं। डिटेल में आप जो है बैलेंसिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इस चीज़ को जो है डिटेल में समझाया गया है, कुछ क्वेश्चंस की वहाँ पर प्रैक्टिस भी जो है करवाई गई है ठीक है। फिर आती है आपके पास जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर, कि एटम्स को हम जो है यहाँ पर किस तरीके से कंसिडर करें है ना। सबसे पहले इन्होंने थ्योरी दी थी कि एटम जो है
उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर एटम्स ऑफ वेरियस काइंड जो है यहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, ओके। यहाँ पर अगर वो कंबाइन हो रहे हैं यानी सेम एलिमेंट हैं, तो उनके मास रेशो, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो हैं हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। दो और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन हो सकते हैं। नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स जो हैं वो फिक्स रहेंगे। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है कंबाइन हो सकते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशियो ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ यहाँ पर पोस्टुलेट्स दिए थे। अब इसमें इनके कुछ मेरिट्स निकल के आए थे, कुछ डी मेरिट्स निकल के आए थे, ठीक है। मेरिट्स ये थे कि इन्होंने बोला था कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये बात आज भी जो है यहाँ पर सच होती। और इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को भी यहाँ पर अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू सही प्रूफ कर पाए, ठीक है। इनके डी मेरिट्स ये थे कि इन्होंने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर इनके आगे चल के जो है फेल हो गई, जैसे कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ओके। आइसोटोप्स यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो है कोई भी सेम एलिमेंट के एटम्स जो है हमेशा आइडेंटिकल रहेंगे किसमें, मास और रेशो में, बट यहाँ पर आगे चल के जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो इनका ये पोस्टुलेट जो है वो फेल हो गया, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट के भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स निकल के आए जिनमें उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, मासेस थे, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से हमारे पास निकल के आए, ओके। आइसोबार्स निकल के आए जब क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या हुए, आइडेंटिकल हुए, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके मास यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके वो पॉइंट जो है रॉन्ग प्रूफ हो गए। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल बोलता है कि यहाँ पर मोल क्या है, हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है डिसाइड कर दी, किसकी, यहाँ पर यूनिट है ना, मोल जो है हमने एक यूनिट बनाई, जैसे कि आपकी डजन होती है, ओके, ग्रॉस होती है, ठीक है, टन होती है, क्विंटल होती है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ओके, हमने उनकी काउंटिंग यूनिट बना दी, क्या, मोल, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। वन मोल होता है किसी भी सब्सटेंस में जितना वो अमाउंट प्रेजेंट है, उतना ही अगर यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर प्रेजेंट है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका वन मोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ मोल इज योर लैटिन वर्ड, ठीक है, मीनिंग होता है क्या, ही पाइल और कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इजिकल्स टू इतने पार्टिकल, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इजिकल्स टू इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स और इतने एटम्स, ठीक है। इस नंबर को हम बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, जिसे हम Na से भी डिनोट करते हैं, ओके। सो नंबर इज योर 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, ओके, अंडरस्टूड। ये ऑस्टवाल्ड ने दिया था 1896 के अंदर, ओके। तो यहाँ पर किसी भी एटम का मोल कितना होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। चलिए इसे जो है हम यहाँ पर शॉर्ट में कवर अप करते हैं और कंबाइंड फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि इससे हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। तो फॉर्मूलाज में आप देखें कि एक मोल जो है इक्वल है किसके, ग्राम एटॉमिक मास के। अब एक मोल इक्वल होता है कितने एटम्स के, इतने पार्टिकल एटम के। तो दोनों को जब हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो निकल के आता है ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ इतने एटम्स, ठीक है। इसे जब आप कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपको यहाँ पर 16 ग्राम सल्फर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर वन मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अब 32 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर क्या है, एक मोल ऑफ सल्फर है, यानी कि ये हमने किया इक्वल, 32 ग्राम के इक्वल आया, इसे हमने उल्टा करके लिख दिया बस, 16 में कितना होगा, 1/32 × 16, निकल के आया क्या, 0.5 मोल्स, ओके।
इसी तरीके से मॉलिक्यूल में आप जब कैलकुलेट करोगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना, इतना। अब इसे आप यहां पर जोड़ोगे तो क्या निकल के आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे यहां पर इसके लिए जो है फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, देखिए जब आपको मोल्स निकालने हो और मास आपको गिवन हो तो गिवन मास यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम ये क्या होगा, आपको गिवन होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। जब आपको मोल निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.02 × 10⁻²। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मॉलिक्यूल्स गिवन हो, अगेन फॉर उसके लिए यहां पर सेम आएगा बट यहां पर क्या आ जाएगा, अब ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मास ऑफ द मॉलिक्यूल यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए भी ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, तो आपसे यहां पर मोल गिवन होंगे, क्या पूछेगा, मास पूछेगा, मोल गिवन होंगे आपसे यहां पर पार्टिकल्स पूछ सकते हैं, पार्टिकल गिवन हो सकते हैं मोल पूछ सकता है, और यहां पर मास गिवन हो सकता है मोल पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिक जो है ये कॉन्सेप्ट है किसके लिए, मोल निकालने के लिए। इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसे जो है अच्छे से और ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आई होप यू लाइक द वीडियो, काफ़ी लंबा चैप्टर था। ओके, हमने जो है इसे कवरअप कर लिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपके जो है कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर कर दे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टिल कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल ट्राई टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू। ओके, सो नाउ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। ओके, और यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, अब इसी तरीके से पढ़ते रहने वाले हैं, बढ़ते रहने वाले हैं, और यहाँ पर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।